आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिफ्यूजर कि ड्रायर पे कैसे यूज होता है, उसके बारे में बताऊंगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी हम बात करेंगे। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, सबकी वेट कर रहा हूं। ओके सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, हमारे पास डमी है जिसपे हमने कल किया था फ्लेक्सी रोड सेट। ये जो रोलर हैं, फ्लेक्सी रोड्स हैं, वो लगाई थी हमने इस डमी के बालों में। आज इसको ओपन करें और मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं डिफ्यूजर के साथ और बालों में डिफ्यूजर के क्या क्या यूजेज हैं। ओके जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए ताकि हम शुरू कर पाए आज का लाइव। आ गए सब लोग? ओके ये डिफ्यूजर मैंने किसी और कंपनी का लिया है, ड्रायर मेरे पास किसी और कंपनी का है। क्यों? ये डिफ्यूजर हर एक ड्रायर पे इजिली फिट हो जाता है। आपको पता है ये चीज? मुझे भी नहीं पता था, मैंने लेने के बाद समझ में आया। क्यों? एक्चुअल में बाकी सब ड्रायर के साथ डिफ्यूजर अलग आते हैं उसी कंपनी के, बट मेरे को नहीं मिला क्योंकि मेरा जो ड्रायर था वो काफी पुराना था और डिफ्यूजर मैंने नया लिया, तो मैंने ब्रांड का खरीदा आइकॉनिक। ये किसी का प्रमोशन नहीं है, मैं अगर आइकॉनिक के ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ दैट डजंट मीन कि मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ। इसका क्या बेनिफिट है? यहाँ पे अंदर की साइड रबर है जो कोई भी ड्रायर हो उसको अच्छे से दबा लेते हैं ताकि वो जो ग्रिप है वो स्ट्रोंग हो जाता है, जिसकी वजह से गिरता नहीं है। सो मैं एक डेमो दिखाता हूँ। आपको पता है हर एक ड्रायर के साथ ये भी मैचिंग आता है, आप किसी और ड्रायर का यूज नहीं कर सकते, नोजल होता है, नोब होता है ये। तो इसके आगे अभी मुझे ड्रायर लगाना है इस तरीके से, देखिए गिरेगा नहीं बिल्कुल भी, ये फ्लेक्सिबल है, यहीं पे रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर से अभी हवा आएगी, गर्म और ठंडी, जो भी आपको यूज करनी है। यह आपको मैं आज लगाना दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज किया जाता है। ओके तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजर, ड्रायर डिफ्यूजर। यूजेज ऑफ ड्रायर डिफ्यूजर दो तरह की, तीन तरह की मैं तरीके बताऊंगा कैसे यूज किए जाते हैं। सब लोग आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, सबका नाम ले लें एक बार, मैं सबके मैसेजेस पढ़ लूं। गुरप्रीत जी, अवेश जी, नीतू जी, तारा जी, अब्दुल जी, जय जी, सोनाली, रेनू, कला, नेहा, हेमा, शोभा, कादर, बार्बर, अवेश, वैशाली, माही, अमित, करण वर्मा, नेहा भटनागर, संजीव रमन, शुभम, शंपा, पवन, नाजू, दीप माला, बबीता, सीमा, श्याम, साजिद, धर्मवीर, खुशी, मनिंदर, गौरव, प्रदीप, जयश्री, तनवीर, प्रमोद भाई, साजिद, ज्योति, अनीता, सीमा, जया, रचना, प्रदीप, लक्ष्मी, माही। ओके सबका नाम ले लिया है, अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमारे काम के ऊपर जाते हैं। हमने कल ये रोलर लगाए थे, ये मैं खोलना बताऊंगा, बट हम चलेंगे अपने एरिया में जहां पे हम हमेशा काम करते हैं, जहां पे हम हमेशा काम करते हैं। जस्ट वॉच इट, आपको लेके चलता हूं हमारी डमी की तरफ। ओके गुड, इसको अभी ओपन करेंगे। मैं यहां पे ऊपर वाले हेयर से भी स्टार्ट कर सकता हूं, देखिएगा मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मुझे खोल लेना है। तो ये जो कर्ल्स हैं देखिए कितने स्ट्रॉन्ग कर्ल्स आ चुके हैं यहाँ पे।
देखिए इन कर्ल्स को कैसे मेंटेन करना है, दिख रहे हैं आपको, हमने कल लगाए थे आज ओपन कर रहे हैं। आप भी ओवरनाइट लगा के रख सकते हो इसको। जस्ट सी इट, देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। मैं खींच रहा हूं, छोड़ रहा हूं, वहीं पे जा रहे हैं, ये निकलेंगे नहीं जब तक आप हेयर वॉश नहीं करते हैं तब तक नहीं निकलेंगे। सी, पसंद आ रहे हैं सबको, पसंद आ रहे हैं सबको। जस्ट सी इट, ये रोज होने की वजह से क्या होता है, काफी लेंथ जो है वो बालों की छोटी दिखती है। हमारे बाल जो थे कल कितने बड़े थे आप देख रहे हो, अभी कितने अच्छे कर्ल्स आ चुके हैं। ध्यान से ओपन करने हैं, देखिए ये हमारे क्लाइंट के जो कर्ल्स हैं वो हो चुके हैं। मान लो अगर किसी के यही बाल नेचुरल कर्ल्स होते हैं, उसको कैसे मेंटेन करेंगे हम डिफ्यूजर के साथ। जो लोग भी घर पे कर्ली बालों से तंग आ चुके हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग क्या कर सकते हो, इसको कैसे मेंटेन करना है वो मैं करना बताऊंगा आज अभी थोड़ी देर में। आप सब लोग इकट्ठे हो जाइए तब तक। मान लो आपके ये नेचुरल बाल हैं, कर्ल्स हैं ऑलरेडी किसी भी क्लाइंट के ABCD, हम उस पर मूस लगा देंगे। इन बालों पे, गीले बालों में कर्ली बालों पे मूस लगा के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद मैं डिफ्यूजर यूज करूंगा, मैंने यहां पे इसको एडजस्ट कर लेना है, इसको घुमा के ये घूम जाता है। देखिए यहाँ पे होल है अंदर, जैसे हवा कितनी ज्यादा चाहिए आपको वो आती है उस हिसाब से। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ रोलर को, कर्ल्स को, और फिर ड्रायर यूज करता हूँ। तो मूस लगाने से क्या होगा, मूस लगाने से जो कर्ल्स हैं वो बहुत ज्यादा अनटाइडी होते हैं, तो मूस लगाने से वो कर्ल्स बहुत अच्छे डिफाइन होने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे से कर्ल्स दिखेंगे एक्चुअल में बालों में। ओके, तो वो कर्ल्स दिखेंगे फिर आपको उसी जगह पे, क्योंकि कर्ली बालों को ड्रायर करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं उसी जगह पे बालों को लूंगा, यहां पे रखूंगा और फिर गर्म हवा दे दूंगा ताकि जो मूस लगा हुआ बाल है वो वहीं पे, कर्ल्स जो है वहीं पे रह जाए। जस्ट ये मैं इस तरीके से ड्रायर को रख रहा हूं नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे ही मूस सूख जाएगा हम खोल देंगे। तो डिफ्यूजर का सबसे मेन पार्ट होता है, जब भी कर्ली बाल आए उसमें आप मूस लगाएं और इस तरीके से स्टाइलिंग कर दें, वो बाल एटलीस्ट एक दिन के लिए बहुत अच्छी स्टाइलिंग रहेगी। एक दिन या दो दिन जब तक वो वॉश नहीं करती हैं तब तक वो स्टाइलिंग बहुत अच्छी रहेगी।
उसकी वजह से ये बाल बहुत अच्छे दिखते हैं। सेकंड क्या कर सकते हो, कर्ली बालों को ही अगर मान लो मुझे यहाँ पे ये वाले बाल हैं, तो मैंने सबसे पहले कर्ली बालों को लिया, इस तरीके से यहाँ पे घुमाया घुमाया घुमाया, फिर उसके अंदर मैंने ये अपना ड्रायर ऐड कर लिया, और यहाँ पे रख के मैं ठंडी और गर्म हवा दे दूंगा, तो वो जो कर्ल्स हैं वो नेचुरल कर्ल्स आ जाएंगे उसके अंदर। देखिए मैंने घुमाया था, अभी वो कर्ल्स खुल रहे हैं। वही चीज मैं कर्ली बालों पे करके दिखाता हूँ, आगे वाले बालों पे कैसे की जाती है। जस्ट येट, मैं सारे बाल इस साइड के नहीं, इस साइड के ले लेते हैं। मान लो ये साइड के बाल काफी ज्यादा हैं, तो यहाँ पे मैंने बाल लिए, रखा, घुमाया, एंड देन विल डू अ ड्रायर सेटिंग। तो घुमाने से क्या होगा, ये जो यहाँ पे कॉम है डिफ्यूजर के, वो बालों को अपने साथ अटैच कर लेंगे, जिससे क्या होगा अच्छे से कर्ल्स डिफाइन हो जाएंगे, और वहीं पे हम उसको ड्रायर कर देंगे। उसको यहीं पे निकाल देंगे, जस्ट सी इट, और छोड़ देना है। तो ये दो तीन तरीके हैं जो मैं बता रहा हूँ डिफ्यूजर को यूज करने की। अगर आपको लगता है आपने इस वीडियो से 5 या 10% भी सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जाइए अभी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, और डिफ्यूजर के यूजेज काफी लोगों को, मुझे लगता है 90% लोगों को इसका यूज ही नहीं पता है क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, किन बालों पे ये यूज किया जाता है। तो मुझे था कि एटलीस्ट ये नॉलेज तो देनी चाहिए। हमारी हेयर इंडस्ट्री में काफी सारी नई नई चीजें आती है, उसके बारे में बताना चाहिए। तो आपको ये कैसा लगा? यहां पे आप अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दे, प्लीज गो एंड सॉरी 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 सॉरी, लाइक का बटन दबा दे। पसंद आया सबको? डिफ्यूजर, यूज ऑफ डिफ्यूजर। मैं अभी ठंडी हवा दे रहा था, बट आप लोग गर्म हवा दे सकते हो इसको यूज करने के लिए। यहां पे इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं ड्रायर डिफ्यूजर को। यहां पे ये सबसे बेस्ट वे है बालों को अंदर रख के ड्रायर करने का। तो सबको समझ में आया कर्ल्स कैसे अच्छे दिखा सकते हैं और डिफ्यूजर कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं? सबको समझ में आ गया? आपने कुछ सीखा इस वीडियो से? आपको बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक का बटन दबाएं। और मैं आपको बता दूं, डिफ्यूजर के बाद कल हमारी एक क्लास स्टार्ट होने वाली थी, एक्चुअल में कुछ रीजन की वजह से हमारी जो क्लास है वो नहीं हो पाई है, कुछ इंटरनेट इश्यूज थे। ये जो क्लास थी ये कल नहीं हुई है अभी तक। जो जो मेंबर्स हैं उनको भी बता दूं, क्योंकि इंटरनेट के इश्यू की वजह से ये क्लास स्टार्ट ही नहीं कर पाया मैं। मेरा एक्चुअली वाईफाई यूज जो काम नहीं कर रहा है, ये मैं पर्सनल डेटा से लाइव आ रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर काम चल रहा है, 4-5 दिन हो गए उसको, मंडे सैटरडे से खराब है एक्चुअली, तो आज थर्सडे हो गया। ये कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है, सारा जुलाई से वेला हेयर कलर क्लास, जो कि एकदम फ्री है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, सिर्फ मैसेज करना होगा, कॉल मत करिए। ओके, कॉल
कॉल मत करिए, मैसेज करिए इस नंबर पे 7053111666 पे कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं आपकी वेला कलर क्लास, इतना लिखिए। और जिसको भी स्टेट थेरेपी की क्लास चाहिए, मैं इसका नेक्स्ट डेट बता दूंगा, क्योंकि इंटरनेट की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। जैसे ही नेक्स्ट डेट आएगा आई लेट यू नो। जो भी स्टूडेंट्स हैं इसके लिए, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप बता सकते हैं। ये शोस्कोफ का एक ब्रांड है स्टेट थेरेपी, बहुत अच्छे बाल होते हैं इससे। आज का हमारा टॉपिक था यूज ऑफ डिफ्यूजर। आज हमें 104 दिन हो गए हैं लाइव आते हुए, 16 जुलाई है आज, 16 ऑफ जुलाई है, 104 दिन से हम लाइव आ रहे हैं जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि ये 200 तक बढ़ जाए। आप लोगों की हेल्प चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा इसी तरीके से। मैं एक एक नया नया टॉपिक निकाल के लेके आऊं, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया बताएं हम लोग। जैसे आज हमारा सेशन था डिफ्यूजर के ऊपर, तो ये सबको पता चल गया ना कि कैसे यूज होता है। ओके, यहां पे हम अपनी डमी रख लेते हैं लेके, ताकि आपको दिखता रहे कि हमने इसमें जो कर्ल्स किए हैं वो कैसे दिख रहे हैं, राइट? शबाना जी, आपको ये आता था पहले से? मेरे लिए तो ये न्यू है, क्योंकि काफी लोगों को नहीं आता था। न्यू किसको बोलते हैं शबाना जी, बताइए। ज्योति सोनी जी बोल रही है, मेरे पास भी है ये चीज जो हमने यूज किया ड्रायर के आगे, बट मुझे इसका नाम नहीं पता था, इसको डिफ्यूजर बोलते हैं। ये ज्योति जी का कमेंट है, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। दीपमाला जी, एवरीडे वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, थैंक यू दीपमाला जी। कोई क्वेश्चन है किसी के, कुछ भी पूछना है, यू गाइस कैन आस्क मी एनी टाइम राइट नाउ। अभी पूछना है अभी भी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके। कल से हम कलर क्लास स्टार्ट कर लेंगे वेला की, तो कल का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से जो भी क्वेश्चंस हैं, आज भी पूछना है तो। निवी ब्यूटी पार्लर ने बोला है मुझे भी नहीं आता था, मनीषा राणा जी मुझे भी नहीं आता था, उनको भी नहीं आता था, राइट? हाँ, ये हेयर स्टाइलिंग गीले बालों में करेंगे राजेश कुमार जी। ये कर्ल्स को खोलना नहीं होता है। सीमा भगत जी ने पूछा था, हाँ शुभाना जी बोल रही हैं इस डिफ्यूजर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके 100 दिन में एक बार भी ऐसा क्लाइंट आया जिसको आपको करना पड़े और आप बोलो कि मुझे आता ही नहीं है, तो आपको वो एक्चुअल में वो क्लाइंट क्या सोचेगा कि इसको आता ही नहीं है, डिफ्यूजर नहीं आता है इसको। मेरे पास क्लाइंट आते हैं जो बाहर के क्लाइंट होते हैं आउट ऑफ इंडिया के, वो डिफ्यूजर रेगुलरली यूज करते हैं, और वो आके अगर मुझसे पूछे कि डिफ्यूजर यूज करना है, आपको एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए, नहीं तो वो 10 या 15 क्लाइंट को ऐसा बोलेगा अरे उसको तो आता ही नहीं है, मैं गई थी उसके पास। तो इसलिए ये टॉपिक बताना जरूरी था। शवाना जी समझी आप, ये ऑनलाइन खरीद सकते हैं, 400 रुपए 500 रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। मैंने जब से लिया है 10 बार यूज कर लिया है, तो मेरा हक निकल गया इससे।
और अभी भी नया पड़ा है। फ्लिक्स के ऊपर कुछ सिखाएं राहीन शेख जी। जी 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 सिखाएंगे। मैं प्लान कर रहा हूं आपको एक हफ्ते में हैकर सिखा दूं। एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी, नई क्लास आ रही है, एक हफ्ते में हेयर कट करना सीखें। जिसको भी ज्वाइन करना हो बताइएगा। ये क्लास खत्म होते ही हम वो क्लास करेंगे, वो पेड क्लास रहेगी, वो अलग क्लास है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए पे करना पड़ेगा। गीता जी अभी आपको सीखने को मिल गया है कि ये कैसे यूज करते हैं, अगर आपके पास है तो इसका यूज करा करें। जो भी आपके पॉमिंग वाले क्लाइंट आते हैं या फिर कर्ली बालों वाले क्लाइंट आते हैं, उनके बालों में कर दो आप। ये मत बोलो कि मुझे आता नहीं है या यूज नहीं करना आता है, तो जस्ट डू इट। संपा जी को भी नहीं पता था, गीता जी को भी नहीं पता था। एक्चुअली यूज ही नहीं पता, हमारे पास चीजें होती हैं, हमें यूज ही नहीं पता होता है। पता आपको, लाइट चली गई है तो इस वजह से फ्लिकर कर रही है मेरी लाइट। सर यू आर माय इंस्पिरेशन, रहीम शेख जी, थैंक यू। ये जो मैं स्टिक बोल रहा हूं, क्लाइंट घर पे ही करते हैं। जो हमने फ्लेक्सी स्टिक रोड सेटिंग जो बोला था, वो हम करके नहीं देते हैं, बट आप क्लाइंट को बोल सकते हो, आप घर पे कर सकते हो। अगर आपके बहुत ज्यादा बाल कर्ली हैं और आपको करने हैं तो आप कर सकते हो, बट हम क्लाइंट को ड्राई करके भेजेंगे। मैं क्या करता, अगर मेरे पास क्लाइंट आता ये करवाने के लिए, तो मैं उनके बालों में लगाता, फिर ड्रायर से ड्राई करता। विद इन आवर, 1 घंटे बाद ये सूख जाते। एटलीस्ट 1 घंटा हमें बिठाना पड़ता ड्रायर से, कुछ हद तक उसको ड्राई करते, और ये फिर ऐसे ही कर्ल्स आ जाते 1 घंटे बाद। बस अगर क्लाइंट घर पे कर रहा है, ये वीडियो उनके लिए है जो घर पे करना चाहती हैं, जिनके बाल बहुत ज्यादा कर्ली हैं, वो यूज कर सकती हैं। बहुत इजी है। लाइट का सीन है इसलिए मुझे लगा। सर प्रेगनेंसी में केराटिन करवा सकते हैं? ब्रिलियंट जति, डिपेंड करता है। आप पहली बात तो मत करवाएं, और अगर प्रेगनेंसी एकदम न्यू है तो बिल्कुल मत करवाएं। एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद आप करवा सकते हैं, जब बेबी मैच्योर हो जाएगा बॉडी के अंदर, तब यू गाइस कैन डू इट। बट मैं तो मना करूंगा बिल्कुल कि मत ही करवाएं, तो ज्यादा अच्छा है। और एटलीस्ट जब बेबी बोर्न हो जाता है, डिलीवरी के बाद भी 1 साल तक, जब तक आप फीड देती हैं, वो दूध पीता है, तब तक आपको ना तो स्मूदनिंग करवाना चाहिए ना ही कैरेटिन करवाना चाहिए, तो ये चीज मत करिएगा। ओके, एक बार एक किस्सा बताता हूं प्रेगनेंसी के ऊपर, मेरे साथ हुआ था। हमने एक बार क्लाइंट आई, तो वो 2 मंथ प्रेगनेंट थी, और हमने पमिंग किया, रोलर लगाया और पाम लोशन लगाया, पूरा प्रोसीजर किया। बाद में जब एंड्स में हमने रोलर खोले, तो उनके बाल एकदम सीधे कर्ली नहीं हुए उनके बालों में। तो हमने पूछा उनसे फिर कि आपने ये लगाया था, आपने ये वो लगाया था, वो बोल रही है मैंने कुछ नहीं लगाया, एकदम फ्रेश वर्जिन हेयर है। देन मुझे थोड़ा सा बम दिखा उनके स्टमक पे, कि ऐसा लगा कि मैं भी शी इज प्रेग्नेंट, पूछने में क्या जाता है। तो हमने पूछा कि आप प्रेग्नेंट है, तो वो बोली यस, हाँ मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूं। समझ में आया? तो यहां से क्लिक हुआ कि काफी केमिकल उस टाइम पे हेयर पे काम ही नहीं कर रहे हैं, ये फील किया है। और दूसरी चीज, वो ऑब्वियसली वो जो स्मेल होती है हर एक केमिकल की, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, बट आपके बॉडी के अंदर तो जा रही है ना वो स्मेल, वो धुआं जो है कैरेटिन का या स्मूदनिंग का, या फिर जो स्मेल होती है पॉम की, वो स्मेल तो अंदर जा रही है। तो मे भी अगर वो इफेक्ट कर गई तो मैं प्रेफर करता हूं कि मत करवाइए, और काफी हद तक रिजल्ट नहीं मिलते हैं।
उसके बाद भी मैंने कम से कम ऐसे 12 क्लाइंट, जो मेरे खुद के 12 क्लाइंट थे जो प्रेग्नेंट थे, मैंने नहीं किया कभी भी। 2 साल बाद वो आई, जब बच्चा बड़ा हो गया उनका, 1 साल का हो गया, उसके बाद वो मेरे पास करवाने आई, मैंने किया। एटलीस्ट ऐसे आपका क्लाइंट के साथ एक बॉन्डिंग बन जाता है कि हाँ, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट वो मुझे राइट गाइडेशन दे रहा है, वो जरूरी है। तो ये चीज आप समझें, अगर आप एक अच्छे, मैंने एक कल कैरेटिन किया, एक ओल्ड एज लेडीज थी, उनके कैरेटिन किया मैंने। उनकी एज थी 50 के करीब, 50 के करीब। तो मुझे लगा कि शायद मुझे पूछ लेना चाहिए कि आपको अस्थमा तो नहीं है, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, आपको कोई कोई सुगंध से एलर्जी तो नहीं है। मुझे लगा कि शायद हुई तो क्या करेंगे, राइट? तो उन्होंने बोला मुझे फ्रेगनेंस से थोड़ी सी एलर्जी है, फ्रेगनेंस लेती हूँ या परफ्यूम से मुझे हेडेक होने लगता है। तो वो बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने केराटिन किया उनके बालों में, आयरन वायरन करके सब कर दिया, एग्जॉस्ट फैन चलाया हुआ था मैंने, सब धुआं जो है बाहर निकल रहा था, और कुछ नहीं हुआ। तो ज्यादा बेटर था कि मैंने पहले ही पूछ लिया। अगर आप एज अ हेयर स्टाइलिस्ट काम कर रहे हो, आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है लेडीज ओल्ड है, तो आप ये चीजें पूछ लीजिए पहले से ही, ताकि वो साइड इफेक्ट ना करें उनको। वो कलर लगाती थी, तो कलर से उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दैट मीन केमिकल से साइड इफेक्ट नहीं होगा उनको, बट उनको इनहेल करना है, वो धुआं तो अंदर जाएगा, जितना मर्जी रोक लो, आप नाक तो बंद नहीं कर सकते ना। तो इनहेल करते वक्त वो धुआं अंदर जाता है, जब हम केराटिन करते हैं, वो थोड़ा सा हार्मफुल तो है ही, मेरे लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। तो आप एटलीस्ट पूछ रहे हैं ये चीज, ओके? ठीक है, और बताइए। हाँ जी, करता। और थैंक यू, मेरे भी ये क्वेश्चन था, प्रेगनेंसी में कोई हेयर कलर का वर्क करवा सकते हैं या नहीं? ना करवाएं तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा, अगर आप नहीं करवाएंगे तो। गीता जी, सर आप हमेशा अच्छी एडवाइस, मैं अच्छी एडवाइस ही देता हूँ। सर अच्छी सही सलाह देने, हमारा नहीं समझ में आया क्या लिखा ज्योति सोनी जी ने। इट्स ओके दीप माला जी, एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। नेगेटिविटी जरूरी है, अगर आपको हर एक जगह पे पॉजिटिव लोग मिलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो जस्ट लीव इट, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आगे कोई क्वेश्चंस है किसी के? अच्छी नॉलेज मिली ना आज, ये टॉपिक जरूरी था कि एटलीस्ट आप लोगों को बताऊं मैं। गुड, सर परमानेंट हेयर कलर कितने टाइम तक चलता है? समरप्रीत कौर जी, मैं बता दूं, परमानेंट हेयर कलर परमानेंट रहता है, वो निकलता नहीं है। जिन बालों पे लग जाएगा वहां से नहीं निकलेगा, बट जो रूट से नए बाल आएंगे उस पे तो दोबारा कलर लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रीग्रोथ। कुछ लोगों की रीग्रोथ 1 हफ्ते में दिखने लगती है, कुछ लोगों की रीग्रोथ 1 महीने में दिखती है, कुछ लोगों की रीग्रोथ 2 दिन में दिखने लगती है। तो डिपेंड करता है रीग्रोथ के ऊपर, कलर कभी भी फेड नहीं होता है। मैं अगर कलर लगा दूंगा फेड नहीं होगा, बट रूट से अगर मेरे सफेद बाल है वो निकल आएंगे बाहर, तो वो दिखने शुरू हो जाएंगे, उसको बोलते हैं रीग्रोथ। थैंक यू रायन शेख जी। रोल नहीं होती है ज्योति सोनी जी, मैं समझा नहीं कौन से रोलर आप यूज कर रही हैं और क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। परचेज, आप डिफ्यूजर जो परचेज करना है, सूरज जी पूछ रहे हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो बॉम्बे में इजिली मिल जाता है आइकॉनिक का डिफ्यूजर। मुरारी ठाकुर जी ने लिखा है सही, अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है, करने लगे तो समझो हम कामयाबी की राह पर हैं। गुड, राइट, अब मुझे पसंद आता है, आई लाइक इट।
रेखा सैनी जी, वेलकम आपका हमारे चैनल पे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाएं, वो जरूरी है, और साथ में बेल आइकन दबाएं। ओके सुनीता यादव जी, सर क्या लिखा है, एक मिनट। सर मुझे प्रॉब्लम है, पम्पिंग करवाना चाहती हूँ, करवा सकती हूँ? और ये मुझे एक्चुअली डिफ्यूजर का जो रेट है वो 500 रुपये है, जस्ट आगे वाला जो नोब बोलते हैं उसको डिफ्यूजर बोलते हैं, वो 500 रुपये में आई थिंक मिल जाता है, 500 रुपीज का है। सर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है क्या? नहीं मैंने नहीं करा रखा है, मेरे ओरिजिनल हेयर हैं और ये एकदम स्ट्रेट है, मैं जो छोटे करवा लेता हूँ तो आगे से बढ़ जाते हैं। देखिए मैं यहाँ से मेरे बाल जो हैं वो निकल गए हैं काफी, तो ये नेचुरल है दोनों साइड से। किसने पूछा था? संजीव रमन जी ने, तो मैंने बताना जरूरी समझा तो इट्स ओके, इसके लिए सॉरी करने की जरूरत नहीं है। सर कौन सी परमानेंट क्रीम यूज करनी चाहिए, मतलब समरप्रीत जी कौन सी परमानेंट क्रीम? मैं आगे प्लान कर रहा हूं कि मैसेज सिर्फ उनके लिए रखूं जो ज्वाइन करते हैं, मैसेजेस के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूं कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन आता है, वही लोग ही मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन है, वो यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन है। वो कैसे, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप चैट कर सकते हो, आप मेरी वीडियो पे मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आप मैसेज भी नहीं कर सकते हो। तो मैं प्लान कर रहा हूँ ऐसा कुछ करने का आगे, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा लोग जो आते हैं ना वो आलतू फालतू लोग, समझते हो ना, तो वो सोच रहा हूँ कि ऐसे ना आए इन फ्यूचर। पर अभी तक मैंने सबके लिए ओपन रखा हुआ है चैट, कोई भी मैसेज करे आए जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज कि आगे हम प्लान कर रहे हैं, अगर आपको मैसेज करने हैं तो ओनली फॉर मेंबर मैं कर दूंगा। वो मेंबरशिप वो यूट्यूब से मिलती है, वो अलग मेंबरशिप है, और जो मैं मेंबरशिप देता हूँ वो अलग मेंबरशिप है। अगर आपको हमारे कोर्सेज करने हैं, पेड क्लासेज लेनी है, वो मेंबरशिप अलग है। ओके सर मेरा मतलब है जब भी कटिंग करने के बाद जो रोल करते हैं वो ओके, वो निकल जाते हैं, वो एक हेयर वॉश के बाद तो सबके निकल जाएंगे ना। सुनीता यादव जी, इसके ऊपर मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या है ये प्रॉब्लम, फिर मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़े बड़े मैसेज आ रहे हैं, मैं सबके पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत अच्छा सिखाते हैं आप। सर मुझे ये जुल्म मत करना, शबाना जी मैं सबका जुल्म, यही जुल्म होने वाला है, क्योंकि मुझे एक्चुअली एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं मैं कल, हम ऐसा करके देखेंगे एक बार कि किसके किसके मैसेजेस आते हैं कल के लाइव में, सिर्फ आप सीखना। ओके मैं कोई हेयर ऑयल यूज नहीं करता हूं। मिस अनु ने पूछा है आप कौन सा, डिफ्यूजर से कर्ली हेयर हो जाते हैं, कर्ली हेयर को डिफाइन किया जाता है डिफ्यूजर से, और कोई ऑप्शन नहीं है, वो वही एक तरीका है कर्ली बालों को सुखाने का, डिफ्यूजर से ही सुखाया जाता है। आप डायरेक्ट सुखा नहीं सकते हो कर्ली बालों को, तो ये स्पेशली कर्ली बालों के लिए है। अगर आपके पास कोई कर्ली बालों वाला क्लाइंट आता है, आप मूस लगाएं गीले बालों में, डिफ्यूजर से सुखाएं और वो कर्ल्स डिफाइन हो जाएंगे मूस की वजह से, और बहुत अच्छे कर्ल्स दिखेंगे। जिनके बहुत ज्यादा कर्ली है ऐसे फूल जाते हैं, उनको आप छोटा कर देंगे मूस लगा के, किला वेट लुक आएगा, जैसा काफी मूवीज में है, पृथ्वी जिंटा का था दिल चाहता है मूवी में, तो वो चीजें जो हैं वो उस तरीके के बाल आपको दिखाने हैं वो कर सकते हैं। अलमास मास, थैंक यू। गीतांजलि सेन, क्या पूछा आपने, किस चीज का आंसर दूं? ये कर्ल्स कब तक रहेंगे जो हमने किए हैं? ये ऑलमोस्ट एक वॉश तक रहेंगे, नहीं जाएंगे। हाँ कंगना रनावत सबसे बड़ी एग्जाम्पल, यस संजीव रमन जी, ठीक है। आज का जो टॉपिक था हमारा था
डिफ्यूजर का, यूज ऑफ डिफ्यूजर। कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, वेला कलर क्लास, बूम बूम, फ्री ऑफ कोर्स, कोई चार्ज नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हमारी जो स्टेट थेरेपी की क्लास थी, आपको बता दूं थोड़ा सा, अभी दिख रहा है, तो हमारी जो स्टेट थेरेपी की क्लास थी, ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने थोड़ी सी लेट कर दी है। एक हफ्ता जैसे लेट रखूंगा, एक हफ्ते बाद हम लेंगे। मैं इसका डेट बता दूंगा, जो भी मेरे मेंबर हैं उनको पर्सनली मैसेज करके। इंटरनेट इशू है, सबसे बड़ा इशू है मेरे लिए अभी तक, जिसकी वजह से मैं दोपहर की क्लास जो है वो ले नहीं पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूंगा जैसी होगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, 17 जुलाई को वेला कलर क्लास कल से शुरू कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, सबके लिए है। कल हम सिर्फ मेंबर ओनली मैसेज रखेंगे, कोई और मैसेज नहीं कर सकता है। तो अगर आपको मेंबर बनना है तो नीचे ज्वाइन कर लें, और अगर आपको ये पेड क्लासेस लेनी है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा यहाँ पे नंबर है 7053116666। आज के लिए इतना ही। रंजना जी, तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा। रंजना जी पूछ रही है, अगर हमारे पास डिफ्यूजर ना हो तो क्या करेंगे? खरीदें उसको जाके, क्या करेंगे, राइट? तो आज हमारे 104 दिन कंप्लीट हो गए हैं लाइव आते हुए, लाइव क्लासेस लेते हुए। पिछले 104 दिन से हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस थी पहले स्टार्टिंग में, देन उसको मैंने पेड में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप वो क्लासेस खरीदना चाहते हो, आप पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। आपको फुल 120 क्लास मिल जाएंगी अगर आप फुल कोर्स लेते हो तो। वो काफ़ी सारी क्लासेज ऐसी हैं जो यूट्यूब पे नहीं है, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए रखता हूँ मैं अलग से, आप लोग ले सकते हो। और जिसको भी अगर कोई क्वेश्चन करना है, आप लोग मुझे क्वेश्चंस कहाँ पे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। आप मुझे मैसेज करेंगे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो ये है, जाइए और यहाँ पे मैसेज करिए। और ये यहाँ पे आप मैसेज करें मुझे, आप देख रहे हो ये चीज यहाँ पे, आप मैसेज करके पूछ सकते हो मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, यू गाइस कैन आस्क मी। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे मैसेज करिए, ओके? सरकार 3 और बॉन्डिंग के शैम्पू कंडीशनर सेम होते हैं? सरकार 3 नहीं समझ में आया ये क्या क्वेश्चन था। थैंक्स सर फ्रॉम सूरत, कदार मैनन जी, वेलकम जी। कल से वेला क्लास स्टार्ट हो रही है, एक हफ्ते तक क्लास चलेगी, रेडी रहिएगा। एक एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा हम सिखाएंगे, ओके? मिलते हैं कल दोबारा 12 बजे, ठीक है? बाय बाय कर दो सब, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय। कल दोबारा मिलते हैं एक नई लाइव सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।